बॉलीवुड की सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्म की शूटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। कौन सी है फिल्म, चलिए आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं हरदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, अब इसके बाद में आ रही है टाइगर 3। जी हाँ, और टाइगर 3 को लेकर यशराज की ये फिल्म है, यशराज की इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा क्रेज बना रहता है और इस फिल्म की शूटिंग दरअसल शुरू हो चुकी है। कई तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर भी नजर आ रही है। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात पता क्या है कि इस फिल्म के अंदर एज अ विलन जो है इमरान हाशमी भी जुड़ने वाले हैं। जी हाँ, इमरान हाशमी इस फिल्म के अंदर आपको एज अ विलन नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का स्केड्यूल पूरे 8 महीने का है। फिलहाल की शूटिंग मुंबई में हो रही है और बाकी की शूटिंग जो है अलग अलग देशों में होने वाली है। एग्जैक्ट डिटेल्स जो है जितनी आई है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। साथ ही आपको बता दूं कि पठान मूवी से ये फिल्म जो है थोड़ी जुड़ी हुई रहेगी। जहां पर पठान फिल्म का क्लाइमेक्स होगा वहीं पर टाइगर 3 की शुरुआत होने वाली है। तो ये फिल्म जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी। बता दूं आपको कि पठान फिल्म में सलमान खान भी कैमियो करने वाले हैं, कुछ सीन्स हैं उनके इस फिल्म के अंदर। इनफैक्ट पठान फिल्म की शूटिंग भी सलमान खान जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और अब जो है उन्होंने भी शुरुआत कर दी है टाइगर 3 को लेकर। इमरान हाशमी फिलहाल तो नहीं जुड़े हैं, 2 हफ्ते के बाद तीसरे हफ्ते से उनका स्केड्यूल रहेगा और कहा जा रहा है कि उनकी शुरुआत में ही वो टाइगर और कैटरीना के साथ में शूट कर लेंगे। वेल गाइस, तो काफी इंटरेस्टिंग है ये शूट की डिटेल्स भी और काफी इंतजार किया जा रहा है फिल्म का। अगर खबरों की मानी जाए तो 2022 की ईद के दिन पर ये फिल्म रिलीज हो सकती है, लेकिन डिपेंड करेगा फिल्म की शूटिंग किस तरीके से रहती है, क्योंकि पैंडेमिक को लेकर भी काफी सारी चीजें चल रही हैं अभी भी वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी। इसीलिए इंतजार रहेगा बाकी की अपडेट्स का। तो आप मुझे बताइए आप लोगों को क्या है कहना, कितने आप लोग एक्साइटेड हैं। बाकी आप लोगों को जो भी कहना हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि आपको बॉलीवुड की सारी खबरें मिलती रहें तो ज्वाइन कीजिए हमें बॉलीवुड हेडलाइंस पर, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।